आज का जो रेसिपी है पोई के पत्ते का पकौड़ा बनाएंगे, एकदम टेस्टी सा ही पकौड़ा बनकर रेडी होता है। अब पोई के पत्ते में बहुत सारा विटामिन पाया जाता है, तो इसका साग या सब्जी आपको पसंद ना हो तो इस तरह से पकौड़ा बनाकर खाइएगा, तो एकदम टेस्टी सा पकौड़ा बनकर रेडी होता है। तो इस सभी कुछ इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, मिस मत कीजिएगा, पूरे आप वीडियो जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू माई चैनल। तो अभी तक स्वतः किचन को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर स्वतः किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, टोटल फ्री है। पकौड़े के लिए हम घोल तैयार करेंगे, तो एक कप बेसन डालेंगे, स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे, यहाँ पर तीखा अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे अजवाइन और मंगरेला, अच्छे से थोड़ा क्रश करके ही डालेंगे। सभी कुछ को अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। तो पकौड़ा में हम क्रिस्पी आने के लिए यहाँ पर डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून चना को फुला लिए हैं और इसको मोटा सा इसको हम ग्राइंड कर लिए, यानी कि दरदरा सा यहाँ पे ग्राइंड करके 2 टेबल स्पून डालेंगे। तो जब भी आप पकौड़ा बनाएं तो जब भी यहाँ पे इस तरह से डालने से क्या होता है, आपका पकौड़ा में क्रिस्पीपन बढ़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट। दो से तीन मिनट इसको मिक्स कर लेंगे और ढक कर 10 मिनट इसको रखेंगे रेस्ट पे। मेरा बेसन का घोल 10 मिनट रेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे लिए पोरों का पत्ता, तो इसको साफ से हम धोकर पत्ते को ही तोड़ लिए। तो पोरों का पत्ता आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसको साफ से पहले धो लीजिए। छोटे छोटे पत्ता ही रखेंगे, बड़ा पत्ता को नहीं लेंगे यहाँ पे। तो इसको 2 पीस पत्ते या 3 पीस पत्ते हम लेंगे, साथ में मोड़ लेंगे और यहाँ पे बेसन के जो घोल है इसमें हम लपेटेंगे और यहाँ पे हमको डीप फ्राई करना है। तो पत्ता बहुत ज़्यादा बड़ा आपको लग रहा है तो इसको फोल्ड कर सकते हैं, पत्ते को मोड़ लीजिएगा और बेसन में लपेट लीजिएगा। इसको हम डीप फ्राई करना है, तो यहाँ पे हम तेल गरम कर लिए हैं। अब इसमें इस एक बार में जितना इसमें अट सकता है उतना आप इसको डालिए और दोनों साइड से क्रिस्पी करके इसको हमको डीप फ्राई कर लेना है। इस पकौड़े को डीप फ्राई करके नहीं खाना चाहते हैं तो इसको एयर फ्राई करके भी इसको इस पकौड़ा का टेस्ट का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो अब एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, अब बनाइए और खाइए। अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, अब इसको हम सभी को निकाल लेंगे। सभी को हम निकाल लेंगे प्लेट में। पकौड़ा दोनों साइड से क्रिस्पी हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे और इसको हम प्लेट में रख लेंगे। एकदम टेस्टी सा पकौड़ा बन के रेडी हो गया। जब भी आप पकौड़ा एकदम दोनों साइड से क्रिस्पी करके इसको सेक लीजिएगा तो सभी पकौड़ा बन के रेडी हो गया। ये देखिए टेस्टी सा पकौड़ा बन के तैयार है। पकौड़ा हम तोड़ के दिखाते हैं, भी एकदम टेस्टी सा क्रिस्पी सा पकौड़ा बना। तो आप लोग जो बनाइए और बताइए आप लोगों को ये पकौड़ा कैसा लगा। पकौड़ा बड़ों को तो पसंद आएगा ही, साथ में बच्चों को भी पसंद आए। एक बार ये पकौड़ा बना ली तो घर का सभी लोग आपका फैन हो जाएगा, इतना टेस्टी सा पकौड़ा बनकर रेडी होता है। अभी तक मेरे चैनल पर पहली बार, मेरे चैनल को आप लोग जाकर सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।